धन्यवाद आपका। उस समय से हमें लगता है कि ईवीएम के मुद्दे पर हर एक दृष्टिकोण से बातें रखी जा चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ कहने की ज़रूरत है, लेकिन मैं खासकर पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण से कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते अगर मैं संविधान के दृष्टि से देखता हूं, तो अगर कोई सवाल के घेरे में है तो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उसको जो अधिकार संविधान से मिली है चुनाव कराने की, वो इलेक्शन कमीशन को मिला है। और इस देश ने इलेक्शन कमीशन के उस फेज को भी देखा है टीएन सेशन के समय, जो कि पूरे देश में चर्चा के विषय है। शायद हमको लगता है कि उसी समय चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होते हैं, आम नागरिक तक ये आवाज़ पहुंची भी, और उन्होंने वो दिखाने का भी प्रयास किया कि जो ताकत उन्हें संविधान से मिली है वो कितनी बड़ी है और उसको कोई सरकार चाहे कितनी भी दमदार हो और वो उसको नहीं हिला सकती है। तो हमें लगता है कि जो प्रश्न के या सवाल के घेरे में है वो चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाने का एक दूसरा कारण हमें ये भी लगता है कि जैसे ही वो कहते हैं कि ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन इक्विपमेंट है या ऐसा इक्विपमेंट है जिसका टेंपर नहीं किया जा सकता है, यह अपने आप में एक बहुत ही भ्रामक वक्तव्य है। तकनीक के विशेषज्ञ भी बताते हैं कि कोई भी तकनीक या इक्विपमेंट हैक किए जा सकते हैं। आज जो बनते हैं उससे आने वाले समय में उससे भी आगे का आविष्कार होता है और ऐसा कोई संभावना नहीं है कि उसको हैक नहीं किया सकता है। तो इस तरह से स्टॉप बॉन तरीके से इस बात को रखना कि इसको हैक नहीं किया सकता, हमें लगता है कि दूसरा जो हमें संदेह होता है वो इस पे होता है कि वो इस बात पर क्यों मानते हैं कि नहीं हो सकता है। तो जो काम इलेक्शन कमीशन का है और जिसके लिए उनका निर्माण हुआ है, खासकर लोकतंत्र का निर्माता के रूप में उनको हम देखते हैं और उनसे जो उम्मीद की जाती है और जिसके लिए उन्हें हम बहुत सैंक्टिटी और पवित्र संस्था मानते हैं, वो है कि फ्री फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन वो कंडक्ट करें और करते भी रहे हैं। ये हाल के वर्षों में सवाल तो ईवीएम पे पहले भी उठे हैं और मैं इसके साथ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ईवीएम का मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ। अगर हम सवाल इलेक्शन ईवीएम पे उठाते हैं तो सवाल हम इलेक्शन कमीशन पे नहीं उठा रहे, ये भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत है कि वह अपने स्वतंत्रता को, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। ईवीएम चूंकि टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट है और वह हैक किए जा सकते हैं, इसके कई सारे उदाहरण भी हैं, कई सारे आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं भी मिली हैं, तो उस आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि ईवीएम हमेशा सवाल के दायरे में है। तो जाहिर है कि जो व्यक्ति, जो संस्था उसको प्रमोट करेगा और इस बात पे अड़ा रहेगा कि उसको हैक नहीं किया जा सकता है, तो हमें उस पर संदेह होता है। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जाए, वो उसके दायरे में भी नहीं आता है। वो तो खुद चुनाव लड़ने में, उसके अभियान में लोगों को जागरूक करने में वो काम करते रहा है। और हमारे जैसे पार्टी तो डे वन से, जब से 2014 में भाजपा चुनाव जीती है, तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये ऐसा दल है जिसको बल मिलता है एक ऐसे संस्था से जो पूर्ण रूपेण जातिवादी है। संघ, जिसको जातिवाद से ऊपर हम कोई संस्था नहीं मानते हैं, वो पूरी तरह से उसको बल देती है। तो हमें लगता है, उस समय से लग रहा है कि संविधान खतरे में है और उसके आधार पे हमने एक बहुत बड़ी रैली भी की जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया हमारे नेता ने। और ये जग जाहिर है कि पूरे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर उनके लिए कोई दुश्मन है, तो वो उनके पीछे, हर एक अपने संस्थाओं के माध्यम से उनके पीछे पड़े हुए हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और एक बहुत लोकप्रिय सरकार को किस तरह से गिराएगा यह भी देश जानता है। तो हम इस बात को मानते ज़रूर हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई जिम्मेवार है तो जो शासन में है वही है, जो सत्ता में है वही है। और यह सरकार, चूंकि इसका रूप खुद भाजपा के बहुत बड़े समर्थक लोग, पहले उसके साथ रहे हुए लोगों ने बोला है कि यह सरकार पार्टी की नहीं है, ढाई व्यक्तियों की है, 2.5% की है, तो हमें इसलिए डाउट होता है कि यहाँ पे भी जब सारी संस्थाएं शक के दायरे में आती हैं कि उनकी जो ताकत है वो कहीं कम हो रही है या उनको ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सब संस्थाएँ, अगर उनको सवाल के दायरे में लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी है सरकार की है। तो अब मूल रूप से जो सवाल के दायरे में आते हैं वो एक चुनाव आयोग आते हैं, दूसरा आज की सरकार आती है, इन दोनों के ऊपर ही है जिम्मेवारी है कि हमारा विश्वास एक आम जन के रूप में, एक आम वोटर के रूप में कैसे बरकरार रखें, ये उनके ऊपर जिम्मेवारी है। मैं तो कुछ उदाहरण ये भी देना चाहता हूँ कि जो बूथ कैप्चरिंग का युग जिसको माना जाता है, उसमें हर एक कैंडिडेट को मालूम होता था कि बूथ कैप्चर कहाँ हो सकते हैं, संवेदनशील इलाके कौन हो सकते हैं।
तो एक दूसरे पार्टी के जो लोग होते थे वो चुनाव आयोग को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को या डीएम को इन्फॉर्म करते थे, इंटीमेट करते थे कि इस बूथ को संवेदनशील घोषित किया जाए क्योंकि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। आज के डेट में तो हमें ये भी नहीं मालूम है कि बूथ कैप्चरिंग कौन से बूथ पे हो रही है, जिस तरह की रिगिंग, जिस तरह की रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें ये भी नहीं मालूम है। तो बूथ कैप्चरिंग से यह एक घातक फॉर्मूला है जो कि ईवीएम के माध्यम से हम अनुभव कर रहे हैं आज के डेट में, इसलिए प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। तो हमारा तो गुजारिश सिर्फ यही है पॉलिटिकल पार्टी से, जिसमें हम भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम लोगों को आम जन तक यह बात पहुंचानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सरकार को बाध्य करना चाहिए कि जो माध्यम ईवीएम का है उसमें कुछ ऐसे दर्शनीय तत्व दिखाएं जिससे हमें विश्वास वापस आए, जो ट्रस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे है वो आए। अगर वीवीपैट को उन्होंने लाया है तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 5 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं तो 10-10 कंस्टिट्यूएंसी का लिस्ट दे कि इस 10 कंस्टिट्यूएंसी पे वीवीपैट का काउंटिंग कम से कम होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो पेपर बैलेट है वो सबसे, आज के डेट में जिस तरह का संदेह पैदा हुआ है, पेपर बैलेट सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्यवस्था होगा क्योंकि हर व्यक्ति जिसको वोट देना चाहता है अपने अंगूठे से उस पर जाकर मोहर लगाएगा या उसको देखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह का रवैया है चुनाव आयोग का, तुरंत यह मानने वाली है। तो कम से कम एक वर्किंग अरेंजमेंट पे या वर्किंग डिमांड पे ये मांगना चाहिए कि जो आने वाले चुनाव में है पर कंस्टिट्यूएंसी हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है कम से कम डिमांड करे कि इस 10 कंस्टिट्यूएंसी पे वीवीपैट का काउंटिंग होना चाहिए। अगर उसमें चुनाव आयोग अगर सही खड़ा उतरता है कि जो वोट पोल हुए हैं और वीवीपैट के द्वारा जो काउंट हुए हैं अगर उसमें कोई मिसमैच नहीं है तब हमें हो सकता है कि वापस विश्वास करने पे बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यह भी नहीं मानेंगे और अपने मर्जी से डिसाइड करेंगे कि रैंडमली हम काउंट करेंगे और या तो कंप्लेन होगा तब हम काउंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के तहत काउंट करेंगे, तब तो लगता है कि यह संदेह बरकरार रहेगा। वो कई सारे मुद्दे हैं लेकिन हमें लगता है कि चूंकि समय आपके पास बहुत कम है और बहुत सारी बातें आप सुन भी चुके हैं तो मैं इन सारी बातों के साथ जो अपनी बात है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।